नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। वे संत सागर और अन्य जैन मुनिश्री का डबरा में जैन समाज द्वारा भव्य मंगल प्रवेश का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पहुंचकर जैन मुनियों को नगर में मंगल प्रवेश करवाया। वहीं इस अवसर पर ग्वालियर ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रघुनाथ तिवारी भी आयोजन में शामिल हुए और दोनों भाजपा और कांग्रेस नेता के मुनिश्रियों का आशीर्वाद लिया। वहीं पर डबरा में दिगंबर जैन संत गणाचार्य विराग सागर महाराज के परम शिष्य मेडिटेशन गुरु मुनिश्री विहसंत सागर जी महाराज, मुनिश्री विश्व सूर्य सागर जी महाराज और एल्क श्री विनोयोग सागर जी महाराज सत्संग का 24 दिसंबर गुरुवार को सुबह बिछोड़ तराहे से डबरा शहर में भव्य प्रवेश मंगल में गाजे बाजे के साथ डबरा रेस्ट हाउस से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर से निकला, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के दिग्गज नेता रंगनाथ तिवारी ने जैन मुनियों का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने धर्मगुरुओं के चरणों में शीश झुकाकर दोनों दलों के नेताओं ने आशीर्वाद लिया और एक दूसरे के चेहरे को देखकर मुस्काए। जैन मुनि ने दोनों नेताओं को आशीर्वाद दिया और सफल होने की कामना की। जैन समाज के मंदिरों में संत मुनियों का मंगल प्रवेश हुआ है। डबरा से संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। ये हमारे गुरुवर मुनिश्री एक स्वाड व्यसन सागर महाराज, जिनको मेडिटेटर गुरु आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी के, वो विराग सागर जी के परम शिष्य हैं, और डबरा में मंगल प्रवेश हुआ है और पांचों मंदिरों में भ्रमण करते हुए चंद प्रभु भगवान मंदिर में विराजमान होंगे और 20 दिन का उनका एक प्रवास है और धर्म की प्रभावना करना उनका मुख्य उद्देश्य है। डबरा नगर में सुख समृद्धि और कोरोना जैसी महामारी से कोई भी नुकसान न हो, इस हेतु मुनि श्री पूरे डबरा नगरवासियों को आशीर्वाद देने यहाँ पर आए। जैसे घरों में जा जाकर महाराज ने आशीर्वाद दिया, कैसा लग रहा है? महाराज जी किसी के घर नहीं जाते हैं। महाराज जी रोड पर जिन भक्तों को पाद प्रक्षालन करने का उनके भाव थे, उन्होंने सबने रोड पर महाराज जी के पाद प्रक्षालन किए और सबको मंगल आशीष दिया। हाँ, गृह मंत्री मुनि भक्त हैं और बहुत अच्छे भक्तों में गिनती होती है और वो आज जैन मुनियों के प्रति काफ़ी अच्छी श्रद्धा रखते हैं और उनको जैन मुनियों का काफ़ी विशेष आशीर्वाद है और इसलिए वो अपने राजनीतिक उच्चतम शिखर पर पहुँचते हैं। हम लोग अभी अतिशय क्षेत्र महातीर्थ बरासों से चलकर आ रहे हैं। इस वर्ष का वर्षा योग हमारा डबरा में ही होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण हम लोग बिहार करना अपना अनुचित नहीं समझे और उसको इटावा में स्थापित किया था। वहाँ से बाद भक्तों की भक्ति और लोगों का पुरसाद आज यहाँ तक खींच लाया है। अभी लगभग 15 जनवरी तक हम सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। यहाँ 3-4 जैन मंदिर है जिनका जीर्णोद्धार हो रहा है, नव निर्माण हो रहा है। उस सारे कार्यक्रम में हम लोग अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करेंगे और जितने भी भक्त मुझे सुन रहे देख रहे हैं उन सभी को मेरा पुनः वापस बहुत सारा आशीर्वाद।